क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोग बड़ी माँ की बात सुनिए ना, वो सही कह रही हैं। महेश पुत्र, मुझे भी ऐसा ही लगता है। महेश जी, अभी भी सोच रहे हैं? यकीन मानिए, राजवीर कुछ गलत कर ही नहीं सकता। प्लीज कुछ कीजिए, उस बच्चे को बचाइए। सीरियसली राखी मॉम, किसे बचाने की बात कर रहे हैं आप लोग? उस क्रिमिनल को बचाने की बात कर रहे हैं? स्टॉप इट निधि, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है और हमारी पूरी फैमिली को ये नहीं लगता है कि राजवीर ऐसा कुछ कर सकता है। रिलैक्स। कैसे नहीं किया? आप लोग अपनी आंखें खोल के देखते क्यों नहीं है? उसके घर से कैश मिला है, बहुत सारा कैश। इतना सारा कैश कहाँ से आया उसकी अलमेरा में? ऑब्वियसली उसने हमारा टेंडर लीक किया है, उसने कोटेशन लीक की है, इसलिए उसके पास इतना सारा कैश था। निधि पुत्र, राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। माना कि उसका और शौर्य का कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। और दादी, अब तो वो भी नहीं होता, वो लोग झगड़ते भी नहीं है। भाभी की बातें सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि राजवीर ऐसा कुछ कर नहीं सकता। वाह, रो, देखा तूने? कहा था ना मैंने तुझे, ये कि घरवाले ना मेरी जो लूथरा फैमिली है ना, इतनी अच्छी है कि इनको ना कुछ दिखता ही नहीं है, और अगर दिखता भी है ना तो ये लोग देख के आंखें बंद कर लेते हैं। इनको सब अच्छे लगते हैं, इनको अभी भी राजवीर अच्छा लग रहा है, राजवीर गलत नहीं लग रहा है। इतना सारा कैश मिलने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि उस राजवीर ने क्या किया है। महेश डैड, प्लीज मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, आज तक आपने इतना बड़ा टेंडर लूज किया है? बोलिए, जवाब दीजिए ना। नहीं खोया तो? एग्जैक्टली। करीना बुआ, प्लीज आप भी एक बात का जवाब दीजिए। आपके क्लब में या किटी पार्टी सर्कल में आपने कभी भी सुना है कि लूथरा फैमिली ने कोई भी टेंडर लूज किया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। इनफैक्ट लोग तो ये कहते हैं कि लूथरास बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। सारे टेंडर्स लूथरास को ही मिलते हैं। और ये भी सुना है कि लोग पता नहीं टेंडर्स निकालते क्यों हैं, क्योंकि मिलना तो लूथरास को ही है ना। काव्या, तुम बताओ हमें इतना बड़ा शॉक क्यों लगा? क्योंकि हमारे हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। एग्जैक्टली। तो अभी बात क्लियर है ना कि राजवीर ने स्कैम किया है, पैसों के लिए बिक गया है राजवीर। और आप लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि राजवीर ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। वही मैं सबको कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राजवीर ने हमारी कोटेशन लीक की है। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए ना पिक्चर और क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ। इस कोटेशन के बारे में किस किस को पता था? करण, महेश डैड और राजवीर। ऑब्वियसली करण नहीं लीक करेगा, महेश डैड आपने तो लीक की नहीं है, राइट? तो बचा कौन? राजवीर। राजवीर ने कोटेशन लीक की, उसके बदले पैसे लिए, वो पैसे उसकी कबर्ड से मिले, और ये पिक्चर सबके सामने क्लियर है, आप लोगों को अब भी दिख क्यों नहीं रहा है? और प्लीज मैं ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सबने देखा कि करण का मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो अब दूसरी बहुत बड़ी मीटिंग के लिए गया है, और हमें उसको वहां पे ना डिस्टर्ब नहीं करना है। तो प्लीज कोई भी करण को फोन करके कुछ भी नहीं बोलेगा,